मोबाइल फोन और ऑनलाइन गेम छोटे छोटे बच्चों के भविष्य के साथ किस तरह खिलवाड़ कर रहे हैं, इसका ताज़ा उदाहरण गाजियाबाद में देखने को मिला। 12 और 9 साल के दो बच्चों ने अपने घर से 30,000 रुपये चोरी किए और भाग निकले। दोनों ने पैसे से मोबाइल खरीदा और फिर रात भर ठंड में पार्क में बैठकर ऑनलाइन गेम खेलते रहे। 16 घंटे बाद पुलिस और एक एनजीओ की मदद से इन बच्चों को ढूंढकर परिजनों के हवाले किया गया। दरअसल गाजियाबाद के शालीमार गार्डन एक्सटेंशन 1 के रहने वाले सतेंद्र कुमार एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते हैं। गुरुवार को दोपहर 3 बजे उनका 12 साल का बेटा और अपने 9 साल के मौसेरे भाई के साथ घर के बाहर खेल रहा था। थोड़ी देर के बाद दोनों अचानक गायब हो गए। घर के आसपास तलाश की गई लेकिन दोनों का कहीं पता नहीं चला। दोनों के परिजन ने दिन भर की तलाशी के बाद साहिबाबाद थाने में शिकायत दर्ज करवाई। एक एनजीओ और पुलिस की मदद से 16 घंटे बाद बच्चों को एक पार्क से बरामद किया गया। दोनों बच्चे ठंड से कांप रहे थे। पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल की तो पता चला कि दोनों बच्चे घर से करीब 30,000 रुपये चुरा कर ले गए थे। बच्चों ने पूछताछ में बताया कि उन्होंने चुराए गए रुपये से मोबाइल फ़ोन खरीदा था। दोनों ने बताया कि उन्हें ऑनलाइन गेम खेलना बहुत पसंद है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है कि आखिर दोनों ने कहां से मोबाइल खरीदा था।